व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को पेला और बन गया चैंपियन। तो आज रौनक की वीडियो है भैया, और जो मतलब आपने देखा होगा वो नजारे जिसमें यूसुफ पठान फ्रॉम पठान वो तिरंगे को लेके भी उस तरीके से लपेटा था, ओ भैया गूज़बम्स। पाकिस्तान भी लाइक हर जगह सुजवानी ही पड़ रही है। 1 2 3 गो। अरे भाई पाकिस्तान वालों, अब तो सूज सूज के चबूतरा हो गई होगी। नहीं सही बात। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। मुबारक हो दोस्तों, जूनियर क्रिकेट और सीनियर क्रिकेट में बेइज्जती करने के बाद अब पाकिस्तान वालों ने सक्सेसफुली रिटायरमेंट क्रिकेट में भी इंडिया के खिलाफ बेइज्जती करवा ली। कल रात को हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर एक बार फिर से अपडेट कर दिया और पहली बार खेले जा रहे इस टूर्नामेंट की विजेता बन गई है हमारी टीम। इसके बाद कल रात से ही बॉर्डर पर से रोने की आवाज आ रही है। और मोदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? ये मेरे तक आवाज आ रही है। इरफान पठान एक बार फिर चौड़े में पूछ सकते हैं कि और पड़ोसियों संडे कैसा रहा? और चौड़े होने से याद आया, बाबर आजम भी चौड़े हो सकते हैं क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ी जो उनके खेल पर 3 हफ्ते पहले तक सवाल उठा रहे थे वही खिलाड़ी इंडिया के द्वारा पेले जा चुके हैं। मतलब पाकिस्तान की सुताई करने में इंडिया से कोई पीछे नहीं है भाई साहब। जिसको जब जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के निकल जाते हैं। हमको घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अच्छा, जो लोग सैटरडे को पार्टी कर रहे थे या फिर अंबानी जी की पार्टी देखने में व्यस्त थे उनको बता दिया जाए कि आखिर मामला क्या है। दुनिया भर में इतनी T20 लीग चल रही है तो अजय देवगन ने सोचा कि एक और लीग बनाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। जी हाँ, ये रिटायर्ड खिलाड़ियों का एक टूर्नामेंट है, लेकिन वैसा टूर्नामेंट नहीं जो आपने अभी तक देखा है और जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी मौज में आकर खेल रहे हैं और चले जाते होंगे। प्रॉपर 6 टीमें थी, इंडिया चैंपियंस, पाकिस्तान चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर खिलाड़ी भी हल्के पतले नहीं थे, सबके सब वाकई में लेजेंड्स। इंग्लैंड की कप्तानी केविन पीटरसन कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ब्रेटली थे, साउथ अफ्रीका की तरफ से कैलिस थे और वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिस गेल। पाकिस्तान की कप्तानी करी थी यूनुस खान ने, जबकि इंडिया के कप्तान थे युवराज सिंह। इंग्लैंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का कल फाइनल था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान पहुंचे थे, और इंडिया पाकिस्तान जहां आमने सामने होते हैं ग्राउंड तो आपको पता है भरी जाता है। कई बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे जिसमें इंडिया की तरफ से यूवी पाजी के अलावा भज्जीपा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना जैसे नाम शामिल थे। पाकिस्तान से मिसबा थे शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, कामरान अकमल थे। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करी, अच्छी बात यह रही कि उन्होंने टॉस जीत लिया और वो सिक्का घर ले गए। इस बार इस सिक्के से जीडीपी मजबूत नहीं करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की प्रिपरेशन करेंगे जो कि शायद अल्टीमेटली उनके यहां हो ही ना। या आपको बता दें कि लीग स्टेज पर भी इंडिया और पाकिस्तान चैंपियंस एक बार आमने सामने आ चुके थे जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। उस मैच में पाकिस्तान को तेज शुरुआत देने वाले शर्जील खान और कामरान अकमल अब की बार कुछ खास नहीं कर पाए। एक शोएब मलिक थे जिन्होंने 36 में 41 बनाकर पाकिस्तान को संभाले रखा। आखिर में सोहेल तनवीर ने 9 गेंद में 19 बनाकर पाकिस्तान को मोमेंटम दिया, लेकिन 20 ओवर के बाद पाकिस्तान 156 पर रुक गया। रनों का पीछा करते हुए रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू ने तेज शुरुआत दी। उथप्पा के आउट होने से पहले बोर्ड पर 34 रन लग चुके थे, वो भी मात्र 16 गेंद में, लेकिन उथप्पा के बाद सुरेश रैना भी जल्दी आउट हो गए। फिर गुरकीरत मान और अंबाती रायडू के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई जिसमें अंबाती रायडू ने हाफ सेंचुरी भी लगाई, लेकिन एक बार फिर से शोएब मलिक ने विकेट निकाला और मैच दोबारा से फंस गया। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच फंसे न तो देखने में मजा कहां, लेकिन क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने यूसुफ पठान ने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि संसद में उनका परफॉर्मेंस चाहे जैसा रहे लेकिन क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस हमेशा A1 था और रहेगा। लगातार 3 हाफ सेंचुरी जमा चुके यूसुफ पठान ने युवराज सिंह की धीमी पारी का असर टीम इंडिया पर पड़ने नहीं दिया। 16 गेंद में 30 रन बनाए, उनके आउट होने तक टीम इंडिया मैच में एकदम जीत की तरफ थी। एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए यूसुफ पठान ने इरफान पठान को बहुत आसान काम करने का मौका दिया और इरफान ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर का सारा गुस्सा विनिंग शॉट लगाकर पूरा किया। इंडिया चैंपियंस ये मैच 5 गेंद और 5 विकेट रहते जीत गई। अब पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया वो बच्चे भी हार रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो खिलाड़ी भी हार रहे हैं, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर रिटायर हो गए वो भी हार रहे हैं। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान वालों को मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, ज्यादा ना उछलो हर जगह खाओगे हथौड़ा। क्या बात है, क्या बात है। शायरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं भी पसंद आई हो तो आप कौन से मिर्जा गालिब हो यार, फिर भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्त ये उसमें था ना, अभी कौन सी सीरीज देख रहे थे? मिर्जापुर। हाँ अच्छा, वो मस्त है भैया, वो जो जेल में भी जाता है आखिर में उसको क्या गजब रोल निकलता है। और एक चीज कहना चाहूंगा भैया, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो चाहे वर्ल्ड कप हो, नहीं लेकिन सच में बाबर को तो बड़ी शांति पड़ी होगी। ये अफरीदी भी बहुत कह रहे थे सबकी पोल खोलूंगा मैं, कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना उनको, बोलेंगे तुम कौन सा अलग हो, क्या तुम भी चुप रहो, क्या तुम्हारे नक्षत्र सब ग्रह सब खराब चल रहे तुम्हारे, तो तुम बात ही मत करो। पाकिस्तान भी लाइक
हम कंसिस्टेंटली बेकार परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हम फर्स्ट आ रहे हैं। मतलब अगर कोई कहते हैं कि वक्त दर वक्त या फिर वो कहे ना हर स्टेज पर गुड़ गोबर करना, तो पाकिस्तान से माहिर हो चुका है, वर्ल्ड क्लास टीम बन चुके हैं जिसने ये ठानी है कि हमसे नहीं होगा। वो बांग्लादेश वाला जो मीम था ना, हम नहीं जीतेगा, वो इन पे भी सही बैठ रहा है अब। बाकी मस्त था मैच, और मैं थोड़ा थोड़ा ही देख पाया था कल, क्योंकि बीच में मैं वो क्या था कल क्या देख रहा, हम एक वेब सीरीज देख रहे थे हम, पिल पिल भाई साहब गजब है, वो जियो सिनेमा पे आई थी। बाकी भाई कल यूसुफ पठान जो जिस अंदाज से जाते वही अंदाज देखा, और जिस तरीके से वो भागे थे मजा आ गया था। पाकिस्तान वालों तुम कुछ भी करो, तुम बस तुम बोलने लायक ही रह गए हो, और वो भी तुम न्यूज न्यूज में मीडिया मीडिया में परफॉर्म तुमसे ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, ये चीज तो बात है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।